कोई नहीं, मार बैठे। तो ये रूम जो है ये पुराने आधार पर आपने बनाया हुआ है ना, नीचे हाँ कच्चा है पूरा, नीचे भी लिपाई होती है जी, दीवारों पे भी लिपाई है। ये लिपाई है दीवारों पे? हाँ जी। किस चीज की है ये? गोबर मिट्टी और ईंट के ऊपर अब जिस तरह पहले लिपाई करके अब दोबारा ये भंडारा आया था तो अब सफेदी मारी है इस पर। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब गोबर की लिपाई, गौ का गोबर से लिप रहे। अच्छा अच्छा, तो मैंने सुना है कि एक अपना रोहतक में वैदिक प्लास्टर करके, हाँ जी वही है, है। डॉक्टर शिवदर्शन, हाँ जी हाँ जी, उनका मैंने सुना था कि वो मतलब ऐसा बनाते हैं कि दीवारों पे और ये सब। बिल्कुल जी। तो ये उन्हीं का है? नहीं ये उनका नहीं है, तो जी अपना हमने खुद ही तैयार किया, तैयार किया है। मतलब विधि तो उनकी है, मतलब जैसा वो तैयार करते हैं वैसा ही? हाँ, वो उसकी उनकी थोड़ी और विधि अलग है, वो बिल्कुल प्लास्टर टाइप में आ जाता है, उसमें ये खाली मिट्टी और गोबर ये है। तो ये जो चुनाई आपने जो की है इसमें ईंटों की, वो भी वैसे ही है? नहीं ये बजर पर से है जी, क्रेशर, क्रेशर से। अच्छा क्रेशर से है, लेकिन बाहर जो ये किया है आपने ये वो है लिपाई है, लिपाई है। नीचे भी तभी लिपाई के लिए कच्चा रखा है, ऊपर लेंटर नहीं डालना था तो ऊपर भी लकड़ी और बांस का प्रयोग किया है सारा। अच्छा, और ये 10 से 15 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा, ये बांस गलता नहीं है ना? नहीं जी। और इसमें बरसातों में कैसे? बरसातों में पोलोथीन है जी, इस पे कोई अंदर कोई पानी वगैरह कुछ नहीं आता है, सारा साइड में निकल जाएगा। अच्छा, ये टेपर में जो आपने बनाया हुआ है, हाँ जी, और ऊपर से एक परत है इसकी बांस की, बांस की इसमें, और फिर परत है जी। अच्छा कैसे? ये आपको एक ये फट्टी की दिख रही है, फिर ये चटाई आ गई है, इसके ऊपर तरपाल है और उसके ऊपर दो लेयर हैं बांस की, बांस की। हाँ जी। तो अगर खर्चे की बात करें, जो टीन सेट जो डले हुए हैं अपने, हाँ जी, यहाँ गौशाला में, हाँ जी, तो उनसे ये महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? नहीं जी सस्ता है जी, उससे सस्ता पड़ेगा। हाँ जी, 10-20% सस्ता ही है, सस्ता ही है। हाँ, और फिर ये गर्म भी नहीं होता है, गर्म भी नहीं होगा। तो गौशाला भी ऐसे ही बनाई जा सकती है? बिल्कुल, ये थोड़ा पहले हो गया जी, अगर अब तो सारा ऐसे ही बनेगा। हाँ हाँ हाँ। और जो भाई जीरो बजट से काम शुरू करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वो तो दीवार भी अपने पुलों की बना के उसको गोबर मिट्टी से लीप सकते हैं और ऊपर ये आएगा। पुलों की मतलब पुले क्या होते हैं? ये पुले तो ये थोड़ी खड़ा भूसा है और है, ये जो वेस्टेज चीजें हैं। हाँ ना, वो बस मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ ना कि जो हमारे जो व्यूअर्स होंगे, जो देखने वाले हैं, वो भी समझे ना कि क्या चीज होती है, क्या चीज कर सकते हैं। जिसका छप्पर डालते हैं जी, उससे बाहर जो डाला हुआ वो छत बनाई हुई है जिसकी, गाय की उधर साइड में खड़ी हो जाएगी वो। अच्छा अच्छा, हाँ जी उसको वो छप्पर है। हाँ जी, तो छप्पर का मतलब दीवार बना सकते हैं? हाँ, दीवार खड़ी हो जाए उसकी। ये राजस्थान से ज्यादा चलता है जी, राजस्थान में किससे आएंगे मिस्त्री, वो जितनी मोटी अपनी 9 इंची की दीवार है, इतनी 9 इंची पुलों की दीवार बना देंगे और बांस गाड के या पिलर लगा के वो दीवार बन जाएगी, और ऊपर से गोबर मिट्टी से लिपाई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दीवार पुलों की है या ईंट की है, कैसी है। अच्छा? और बिल्कुल नेचुरल रहेगी वो। तो उसमें मतलब आग लगने का तो खतरा रहता है? आग का कोई खतरा नहीं है, जब पुला दिखेगा ही नहीं तो आग कैसे लगेगी उसमें, जब हमने उसको ऊपर गोबर मिट्टी से लीप दिया है पूरा। अच्छा, तो पूरा तो दिखना ही नहीं आपको, ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि इसकी लिपाई हो रखी है। तो वो सस्ता पड़ता है? वो तो बिल्कुल, अगर इसके ईंट का और इसका लगाए तो इसी हिसाब से तो फ्री में पड़ता है जी। अच्छा, तो लेबर कॉस्ट कितनी आती है? लेबर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है जी। आपने तो बनवाया है ना, ये बनवाया है, तो इसमें जो छत बनवाई आपने, ये छत का और ये सारा जो है जी, ये सामान भी मेटेरियल भी उनका है। अच्छा, और लेबर भी उनकी है, 40 रुपए फुट के हिसाब से बनाते हैं। 40 रुपए स्क्वायर फुट? हाँ जी। ये मतलब छत उन्होंने बनाई है? हाँ जी। और जो दीवार है ये अलग है? ये दीवार है, दीवार तो आपने यही लोकल बनवाई होगी ना? हाँ जी। और इसकी लिपाई तो? लिपाई तो अपने खुद की है इसकी। अच्छा, खुद ही कर दी है? हाँ जी। तो खुद कर दी है फिर भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो तो लिपाई करनी है, लेबर लगा के गोबर चिकनी मिट्टी है। हाँ हाँ। उसको अपना मिक्स किया अच्छे से, 5-6 दिन उसको भिगो के रखा। तो मतलब जो किसान भाई ऐसा मतलब बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, मतलब आप ये? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से, पहले यही बनता था, अब धीरे धीरे फैशन के चक्कर में ये खराब हो गया। अच्छा, आपको कुछ आइडिया कि एक कमरा अगर ये कितने बाय कितने का होगा कमरा? ये तो जी 20x30 का जी शायद।
20x30 का है, तो इसमें कितना खर्चा आ गया अपना, कुछ अंदाजा मोटा मोटा? वैसी अगर मोटा इसका आ गया जी 2-2.25 लाख रुपए के बीच, 2-2.25। और वैसे अगर बनाते हम वो वैसे तो जी, ये मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, दीवारें भी ऊंची हैं, वो आप देखो वहां तक तो 16-17 फुट पे दीवार गई हुई है ऊपर ताकि गर्मी ना बने। हाँ हाँ हाँ। तो ये अगर प्रॉपर उससे बनाएंगे, लेंटर डालेंगे, तो 4-5 लाख से कम नहीं बनेगा। हाँ ये तो ठीक है। और वो जो पुले वाला जो ऑप्शन आपने बताया, वो और सस्ता होगा? वो तो सारा ही 50-60 हजार रुपए में तैयार हो जाएगा जी। इतना बड़ा कमरा? हाँ जी, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा कमरा, और लोग जो आएगा वो बाहर नहीं बैठेगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो इसका जो लेवर है वो स्पेशल होती होगी? हाँ जी, वो यहाँ जिस तरह लोकल में अभी बनाना बंद कर दिया, राजस्थान में झुग्गियाँ बनती हैं, खुडियाँ बनती हैं, पशुओं के लिए भी बनाते हैं। हाँ जी, तो उनकी छत इतनी मोटी छत डलती है उस पर। अच्छा। और इतनी मोटी की वो दीवार बन सकती है अगर उसके ऊपर से हम गोबर मिट्टी से लिपाई कर दें। तो खाली यही है कि वेस्टेज है, लेबर लगाओ अपने पूले की इकट्ठे करवा लो, वहां से लेबर आएगी, बस बल्ली चाहिए उनको। तो ये पूले तो मेरे ख्याल जब धान की फसल अपने यहाँ कटती है तभी होती है ना? हाँ नहीं, अभी चल रही है, खूब है। अगर कोई बाद में जैसे अगर ऑफ सीजन जब इनका जब भी होता है, जब अगर बनवाना चाहे तो थोड़ी दिक्कत होगी ना? नहीं, ये है जी जिस तरह अभी इसके लिए भी ठेकेदार हैं, उन्होंने लेबर रखी हुई है, 50-50 आदमी, बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, ट्रक है। अच्छा। वो 20-25-30 रुपए का पूला एक देते हैं। अच्छा, कभी भी ले लो? हाँ, वो आप उनके, उनको पता होता है कौन सी नदी में है, कौन से खेत में है, कहाँ जंगल में है, तो वहाँ से वो लार्ज स्केल पे ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको अगर सीजन में जो बनवाना चाहता है और वो कोई इकट्ठा कर ले तो उसको और सस्ता पड़ सकता है? देखिए जी, अपनी मेहनत है। हाँ, अगर कोई आदमी खुद काट सकता है, खुद परिवार मिलके कर सकता है, तो कॉस्ट क्या है फिर, तो वो फ्री का है, उसमें थोड़ी सी रस्सी चाहिएगी। लेकिन ये लेबर जो आपने बताया वो तो स्पेशल होती है, उसके लिए तो खैर, उसके लिए वो उसके लिए तो उसके लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। हाँ जी, खुद तो नहीं कर सकते उसको? नहीं, वो अगर ज्यादा बड़े स्केल पे 4-5 कमरे बनाने हैं तो फिर वो उनसे ही खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, एक कमरा बना सकता है कोई? हाँ जी बिल्कुल, एक कमरा आसान है, छोटा बड़ा जैसे भी बना सकते हैं। नहीं, एक अगर कोई खुद बनाना चाहे वो लेबर ना बुला के तो बना सकता है? लेबर का ये है कि जो उनकी कटिंग है, जिस तरह गेट भी छोड़ना है हमने, उसमें जंगला भी लगाना है। हाँ हाँ हाँ। तो वो थोड़ी सी उसमें कलाकारी होती है, कलाकारी है। हाँ जी। चलो, ये तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ये मतलब नई चीज एक जो है ना, मैं यहाँ देवेंद्र जी से बात कर रहा था तो इन्होंने बहुत कुछ मेरे को बताया लेकिन कुछ नया निकल के सामने नहीं आया अभी। लेकिन ये चीज जो आपने बताई ये थोड़ी ही मतलब है, मतलब कुछ लोग कर भी रहे हैं इस पे, लेकिन फिर भी गर्मियों तक आपको ये प्रोजेक्ट भी यहाँ दिख जाएगा कि जिससे दीवार भी पूड़े की होंगी, छत भी, और सारा गोबर मिट्टी से होगा, उसमें कोई ईंट सीमेंट कंक्रीट कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा, और आप पहचान नहीं सकोगे कि ये दीवार किस चीज की। उस पे भी हमने पूड़े अभी इकट्ठे कर रहे हैं, वो हमारे लेबर वाले और राजस्थान से आएंगे, तो 100 हो गए। हाँ जी, तो 1-2 दिन में लेकर आऊंगे। अच्छा, उसकी दीवार ऐसे ही बनाऊंगे जो भाई जी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो, तो आप लोगों के लिए भी ये अच्छा ही हो जाएगा। अभी आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर रहता हूँ जी। अच्छा, यहीं रहते हैं।